संग बताती हूँ कि मैंने ना कॉलेज में मेरा क्या होता था कि मैं सबके जो भी मेरी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज फेयरवेल सब पे मैं केक मंगवा के सबको गिफ्ट करती थी। तो जो वहाँ पे बेकरी थी जिसकी ओनर था, तो वो बहुत ज्यादा हमारे साथ था कि मतलब कोई बात नहीं, मतलब उसने मुझसे कभी पैसे मांगे ही नहीं। वो कहता कोई बात नहीं, आप रेगुलर कस्टमर हो, जब देने होंगे आप दे देना। एक बार मैंने ऐसे ही किया कि मैंने केक ऑर्डर कर दिया, 3-4 केक थे, तो उसका टोटल मेरा 2500 कुछ ऐसे बना था। तो मैं उसके पास गई, उसने मुझसे कहा कि आप मुझे मैम पैसे दे जाओ, पेमेंट कर जाओ। मैंने कहा सर आपको पता तो है कि मैं आप फोटो देख पहले मैं केक देखूंगी, मैं तभी पेमेंट करूंगी, पहले नहीं करती। तो ही वॉज सो एडमेंट, ही वॉज सो रूड कि नहीं आप मुझे अभी करके जाओ पेमेंट। मैंने कहा आपको ट्रस्ट नहीं है। तो हमारा थोड़ा वहां पे आर्ग्यूमेंट भी हो गया, लेकिन उसने मुझसे पेमेंट ले ली। मैंने कहा चल ठीक है यार, बाद में भी देनी, अभी ले लो। तो जब मैं वापस आई, उस टाइम पे क्या हुआ कि एक दिन के बाद मेरी वे नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती चल हम कैफे से कुछ खा के आते हैं। तो मेरा वॉलेट बेड पे पड़ा हुआ था, तो जब मैंने वॉलेट अपना खोला उसमें कोई पैसा नहीं था, कोई पैसे चोरी करके चला गया उसमें से। और मैं अंदर इतना मुझे गुस्सा कि गुरुजी आप क्या होते हो, मैं तो कह के जाती हूँ कमरे में कि ध्यान रखना, आपके होते हो पैसा कैसे कोई उठा के लेके जा सकता है। तो मेरे आगे ना सामने गुरुजी का मंदिर था, तो मैं गुस्से में गुरुजी की फोटो ही घुमा दी। मैं कहा मैं आपको देखना ही नहीं है। और इतने में मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि मेरी सेंटअप की डेटशीट वापस आ गई। मैंने उनका फिर फोटो घुमा दी, मैं कहा नहीं नहीं प्लीज थोड़ा आपका जरूरत है, पेपर ऊपर ध्यान से करा देना। तो जब मैं शांत दिमाग से मैंने सोचा कि उस टाइम पे जो मेरी एटलीस्ट गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं रखा, अगर सारे के सारे पैसे चले जाते, वो केक के पैसे मैं नहीं दे पाती, तो वो मेरे ऊपर एक रह जाना था कि इस इतना अच्छा मेरा शुरू से रिकॉर्ड रहा है उसके साथ कि इस बार इसने पैसे नहीं दिए। तो गुरुजी ने उसके थ्रू गुस्से में बुलवा के मुझसे सारी की सारी क्लियरेंस पहले करवा दी थी जिसको मैंने पैसे देने थे, कि उनको पता था कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाली है। मैं इसी बेसिस पे कहती हूँ अपने सत्संग जो भी मेरे साथ होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हम लोग हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं बीइंग अ ह्यूमन, और गुरुजी एक स्टेप दो स्टेप आगे देख के चलते हैं, तो हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अपने तक ये नहीं करना चाहिए नहीं यार अभी ये चीज खराब होगी तो गुरुजी ने कर दिए, ठीक है ना, टाइम लगेगा लेकिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक सत्संग में मुझसे एक लेडी ने पूछा कि जो आप पर्ची डालते हो वो क्या उसमें अपने अपने मन का लिख के डाल देते हो। मैंने कहा नहीं यार ये ट्रस्ट है तुम्हारा। अब मेरा एक ट्रस्ट है कि जो उस पर्ची पे आएगा मेरा वे है। मैं नहीं कहती कि गुरुजी कहते थे या नहीं, वो मेरा खुद का कन्वर्सेशन का वे है गुरुजी का। दैट डजंट मीन कि कोई और लोग वो चीजें करने लग जाए, कल को उनके साथ कुछ नहीं वो चीज हुई, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो ट्रस्ट चाहिए अगर आपने ये चीजें करनी है। कि अगर उस पे वो स्लिप पे कुछ गलत आता भी है तो ट्रस्ट रखो गुरुजी पे, अगर डिसीजन गलत होगा तो कल को वो अपने आप तुम्हें लाइन पे लेके आएंगे। चाहे तुम्हें मुश्किल थोड़ा टफ हो तुम्हारे लिए वो जर्नी, कुछ भी हो वो अपने आप ठीक करेंगे। अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर ट्रस्ट नहीं है ना गुरुजी का, गुरुजी के ऊपर, तो तुम ये चीजें मत करो। फिर तुम बोले ना ना तुम गुरुजी को मान रहे हो, कि वो एक चीज मांगते हैं, वो ये नहीं कहते तुम अपना नॉनवेज छोड़ो, कुछ नहीं कहते वो कहते हैं ऐश करो। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि मेरे पे कंप्लीट सरेंडर कर दो, वहम से बाहर निकलो। क्योंकि जहां हम जाते हैं मंदिर में चले जाओ तो कोई वहम दे दे, जब हर जगह पे वहम है, हर जगह पे वहम। सिर्फ एक गुरुजी का ऐसा मंदिर है, एक ऐसी अच्छी जगह है जहां पे वहम का एक वी भी नहीं है। तो हमें उस पे अगर हमें गुरुजी ने पे से सब यही बोलते हैं कि अगर गुरुजी नहीं चाहते तो तुम आ ही नहीं सकते उनके पास। एटलीस्ट अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझो कि गुरुजी ने तुम्हें चांस दिया है अपने साथ जुड़ने का, तो उस चीज को चेरिश करो, एंजॉय करो और एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। किसी के बोलने पे मत जाओ कि कुछ हो, मतलब ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे वो जाएगा। इसी चीज से तो हमें ऊपर उठना है, तभी तो हम गुरुजी के साथ जुड़े। अगर नहीं, अगर इन चीजों में ही रहना है फिर किसी और के पास चले जाओ ना, गुरुजी और किसी को अपने साथ जोड़ लेंगे। अगर इन चीजों पे तुम रहोगे तो कोई कोई जरूरत नहीं है कि गुरुजी के ऊपर डाउट करने की या मतलब कुछ भी ऐसे बोलने की कि जो जो चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं सबके साथ ऐसे शेयर करूं ये चीजें, क्योंकि फेसबुक पे मेरा मन ही नहीं करता फेसबुक खोलने का, कोई
कोई बोलता है कि कोई ऑनलाइन है तो जय गुरु जी लिखो, ये क्या नहीं, तो हमारे ऊपर इतना ज्यादा अंदर होने लग जाता है, गिल्ट फील होता है कई लोगों को जो नई संगत, मैं अपने आप को ये नहीं बोलती मैं पुरानी संगत हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ तो कनेक्शन होता है ना आपका, वो आपको नई और पुरानी में डिफर करता है, ईयर्स नहीं डिफर करते कि आप 10 साल से हो तो आप पुरानी संगत हो, नहीं ना, जो 2 साल से है वो भी पुरानी संगत हो सकता है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का जो कनेक्टिविटी है वो तुम्हें नई और पुरानी संगत बनाती है और कुछ नहीं तुम्हें बनाती, तो ठीक वो एक नई संगत में गिल्ट आ जाता है, अच्छा अगर हम जय गुरु जी ना लिखें तो हमारे साथ ये चीज ना हो जाए, हमने जो नई संगत आ रही है हमने उन्हें एक अच्छा पाथ दिखाना है कि गुरु जी ये सब चीजें नहीं थे गुरु जी के होते हुए, फेसबुक थोड़ी था कि गुरु जी बोलते थे जाके यार फेसबुक पे जय गुरु जी लिखो मैं तब तुम्हारे पास आऊंगा, ये चीजें कुछ नहीं थी, तो इन चीजों से ऊपर उठो तो अच्छी मतलब एक प्योर कनेक्शन बनाओ उनके साथ और बाकियों को गाइड भी अच्छे वे में करो। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सब चीजें बताई ना कि हमें ये चीजें बताई जा रही है जिसके थ्रू हम जुड़े हैं, तो मुझे मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा तूने 5 साल में मेरे मुंह से कभी सुना ये चीजें और मुझे ये बता कि मेरा कौन सा काम रुका, कहती कोई भी नहीं, मैं कहा फिर, मैं कहती कोई इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए कि मैं कहा मैं जुड़ी उस बेसिस पे हूँ तो हमें उसमें ही रहना चाहिए गुरु जी के साथ। तो एक बार ही क्या हुआ कि मैं जब फिरोजपुर चली गई ना तो वहां पे गुरु जी का कोई सत्संग नहीं कुछ नहीं, तो मैं लिटरली ना एक बार गुरु जी के आगे बैठ के ऐसे हो गया कि गुरु जी ये ही ऐसी अजीब सी जगह है जहां पे आपका सत्संग नहीं, वैसे तो मेरे को लगता है वर्ल्ड की कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपका सत्संग नहीं होता, क्योंकि मेरा मेरा एक रूटीन बना हुआ था जलंधर मंदिर जाने का, जब जब वीक में जितने बार वो खुलता था मैं जाके आती थी वहां पे, तो बिल्कुल ही कनेक्शन टूट गया था वहां जाके कि बस ठीक है मंदिर में रूम में रखा हुआ था मंदिर गुरु जी का, वहीं पे जैसे पाठ कर लो जोत जगा लो यही सब चीजें थी, तो जब मैंने लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया धीरे धीरे कि चाहे मैं यहाँ पे हूँ बट गुरु जी स्टिल देयर, मेरा जो जो चीजें रुकती हैं जो भी चीजें होती हैं वो सब गुरु जी करा के देते हैं, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए डाउट इस चीज पे, तो जैसे मैंने सोचा वो 3 साल लग गए मुझे सोचने में कि डाउट नहीं करना चाहिए इस चीज पे, जब मैं थर्ड तीसरे साल मैं थर्ड ईयर में आई, पापा ने ना एक सत्संग अटेंड किया था पठानकोट में और वो मेजर जनरल थे उस टाइम पे जो अंकल के घर सत्संग अटेंड किया था, तो उनका ट्रांसफर हो जानी थी फिरोजपुर में, तो पापा ने मुझे आके बोला फोन फोन करा कि मैं गई नहीं थी पठानकोट कि दीपाली वे एक मेजर जनरल आर्मी ऑफिसर हैं उनकी पोस्टिंग हो जाएगी फिरोजपुर में तो तू ना मतलब मिल लियो, मैंने चल ध्यान नहीं दिया ठीक है, तो उसके बाद ना जब एक बार क्या हुआ था न्यू ईयर वाले दिन फर्स्ट संडे आ गया गुरु जी का, तो मैं अपने घर आ रही थी घर वालों को सरप्राइज देने के लिए, और हॉस्टल में हम कितनी की सेविंग्स करते हैं, मेरे पास 120 डॉट इतने पैसे थे, तो मैंने मम्मा पापा को बताया नहीं, मम्मा को बता दिया था पापा को नहीं बताया, मैंने बस ली सबको जो नहीं जा रहे थे उनको तो मैं चढ़ा के यार मैं तो जा रही हूँ तुम नहीं जा रहे तुम नहीं जा रहे, मैं अपना बस में चढ़ी फिरोजपुर से, फिरोजपुर से मुझे मोगा आना होता था, मोगा से जलंधर की बस मिलती थी, मैं मोगा तक आ रही थी, बीच में पापा की मुझे 5-6 कॉल्स आ गई मैं उठाऊ ही ना, फिर मम्मा का फोन आया मैंने उठा लिया, कहते दीपाली पापा का फोन उठाओ, मैंने उठा लिया, तो पापा कहते दीपाली कल वो मेजर जनरल जो है उन्होंने डुगरी जाना है सत्संग मतलब माथा टेकने, तो आप ना उनके साथ वहां जाओ, तो मैं इतनी शॉक की मैं अंदर से सरप्राइज प्लान कर रही हूँ घर आने में, मैं न्यू ईयर ईव उस दिन रात को 12 बजे मैं अकेली क्या करूंगी हॉस्टल में, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन हॉस्टल, तो मैं बड़ी दुखी हुई अंदर से, तो जैसे मैं मोगा में उतरी सामने फिरोजपुर की बस फिर मैंने वापस पकड़ी, उतने पैसे ही थे जितने लगने थे, बस पकड़ी वापस हॉस्टल, और जिन पे मैं हंस के गई थी वो मुझ पे हंस रहे थे कि यार तू तो गई थी तू कहाँ से आ गई वापस, मैं वापस आई मैं गुरु जी से फिर गुस्सा, गुरु जी क्या कर दिया आपने, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से गुस्सा अभी भी होती हूँ लेकिन मुझे अंदर से पता होता है कि इसका एंड रिजल्ट बहुत ब्यूटिफुल ही निकलेगा, तो मुझे शाम को अंकल का फोन आया कि बेटा कल हम सुबह आ जाएंगे आप वेट करना मेरी बाहर, मैंने कहा ठीक है, मुझे डेजिग्नेशंस का नहीं पता था आर्मी ऑफिसर्स का क्या होता है, तो आई वाज वेटिंग ऐसे कॉलेज के बाहर, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कहाँ से क्या, तो क्या होता है सडनली एकदम से वहां पे एक पायलट कार आके रुकती है फिर पीछे अंकल की कार, और मैं ऐसे मैं कहा अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट वाले लोग, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था, तो मैं गाड़ी में बैठी
उस दिन इतना ज्यादा रश था डुगरी में, गुरुजी ने वहां से डुगरी बुलाया। डुगरी में जब तुम्हारे थाउजेंड्स और लैक्स में संगत हो तो यू कांट इवन थिंक दूर दूर से भी, कि लोगों को अंदर आने को नहीं मिलता। और तुम मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया उस टाइम पे, आरती करवाई अंदर, गुरुजी वहां ऊपर जाके आरती कराई, अंदर बिठा के लंगर कराया। तो मैं गुरुजी को ऐसे थी वापस आके कि गुरुजी मैं वो एक सिर्फ मोगा से वापस आके कि मुझे अकेला रात रहनी पड़ेगी, मैं उसके ऊपर इतना मुश्किल मतलब आपसे लड़ रही थी, लेकिन आपके पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेरे लिए फ्यूचर में, कि इतना अच्छे दर्शन मैंने नहीं किए, कि इतनी ज्यादा संगत में से गुरुजी आपको चूज कर रहे हैं कि आके लिटरली आप उनकी आज्ञा के आरती करो, लंगर करो, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि किसी और को नहीं ऐसे होता, सब गुरुजी, ये सब गुरुजी को पता है, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इस टाइम पे कि इन मतलब आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपको गुरुजी ने बुला लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गुरुजी को ही पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे कोई ब्लेस संगत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी सबके सब, जो गुरुजी के साथ एक बार जुड़ गया दैट मीन्स ही और शी इज कंप्लीटली ब्लेस्ड, ये सोच के चलो। और हमें कुछ भी नहीं सोचना इन चीजों के ऊपर। तो दैट्स इट, जय गुरुजी, यही सत्संग था मेरा। जय गुरु जी। थैंक यू दीपाली आंटी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपाली आंटी। आंटी, इट वाज हाँ सच जी, अ ब्यूटीफुल सत्संग, ब्यूटीफुल, डिवाइन, स्वीट। आई कुड कनेक्ट इट सो वेल, एंड आई एम श्योर हमारे यहाँ अभी जो सारे संगत बैठे हैं, मींस दे कुड कनेक्ट। एंड आपने जो जो एक एक बात कही, मेरे को लगता है मेरे को कहना था एंड आपके मुंह से निकल रहा है। ट्रूली फेल्ट द सेम थिंग, मींस जय जो गुरु जो जी आपने आंटी। बोला, एवरीथिंग, मीन्स एक एक मैं वही सोच रही थी कि आप, मीन्स मेरे एक्चुअली मन में ये सब चलता है। मीन्स आप जो बता रहे थे, तब मेरे को भी कभी डाउट होता है, बिकॉज गुरु जी से जो डायरेक्ट कनेक्शन हम सुनते हैं, एट टाइम्स अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि मीन्स लोग जो कहते हैं, जैसे कि आप फेसबुक में जो बोल रहे हैं, एक बार जय गुरु जी लिख दो ये हो जाएगा वो, देन आई ऑल्सो फील वेरी ऑड गुरु जी श्रमण, बट आई ऑल्सो फील द सेम वे, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। एंड जैसे कि हमें कुछ कभी प्रॉब्लम होता भी है तो गुरु जी तो देख रहे हैं, व्हाई टू टेल अदर्स, एग्जैक्टली इवन आई फील द सेम वे। सो एंड बहुत कुछ आंटी आपने बताया, जो सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, जो एक बार हम मीन्स सरेंडर करते हैं एंड जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल, इट्स नॉट इजी एट ऑल, बट द एंड हमें पता है गुरु जी ने कुछ सोच कर ही वो रखा होगा हमारे सामने। सो आंटी दैट वाज वेरी, ये देन आपने दूसरा बताया, मांगो नहीं मानो, कि गुरु जी हाँ जो जी। जो करेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक करेंगे, जो भी होगा एक्चुअली हमारा सोच करके। एक्चुअली आंटी, जो ये मांगो नहीं मानो वाली है ना, इसमें क्या हुआ था कि एक बस एक सत्संग छोटा सा है मेरा श्योर इसमें। आंटी, श्योर। हाँ, इसमें क्या हुआ था कि आई वॉज इन प्लस टू, मैंने बताया कि गुरुजी ने मेरे को नेशनल्स के लिए वाराणसी भेजा हुआ था। तो जब मैं वाराणसी से वापस आई, तो वापस आते ही फर्स्ट थिंग जो मैंने देखी नोटिस बोर्ड पे, वो था मेरी डेट शीट प्री बोर्ड्स की। और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मैं गुरुजी को एक ही चीज बोलती थी, गुरुजी कभी भी फेल नहीं लगा आगे, प्लीज पास करा देना। तो मैं वही चीज लेके अपने सर के पास गई, मैंने कहा सर आपको पता है मैं अभी आई हूँ, विद इन अ वीक मैंने ही तैयारी, फिजिक्स वॉज माई मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं था वो सब्जेक्ट। तो मैं चली गई सर के पास, मैंने बोला कि आप सर मुझे प्लीज इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स लिखवा दो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन्होंने मुझे 30-40 लिखवा दिए। तो मैंने कहा फर्स्ट नहीं आना, पास होना है तो प्लीज उतने की लिखवाओ। तो मैंने, आप लिटरली मानो कि वो जो टाइम था जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ना होता था, मैं गुरुजी के सामने जाके मांगती थी कि मुझे प्लीज 23 मार्क्स दिलवा देना, मैं नहीं पढ़ सकती ये सब्जेक्ट, 23 23, इस पे अड़ी हुई थी मैं। तो जब मेरा, मैंने एग्जाम दे दिया, ठीक हो गया जैसे भी था, तो जब मेरा मार्कशीट मेरे पास आई उसपे 22.5 मार्क्स थे, राउंड ऑफ 23 मैं पास थी उसमें। तो जब मैंने टोटल किया, इट इट केम आउट टू बी लाइक 37 38 मार्क्स थे टोटल में। तो मैं अपने सर के पास गई, और वो काफी दूर बैठे थे ऐसे स्टाफ रूम में, मैंने एंटर किया तो वहीं से उसने मुझसे ऐसे देख के पूछा, कहना हाँ जी ऊंची बोला,
मैंने कहा सर टोटलिंग मिस्टेक, कहने तेनों पास होगी तेनों होर की चाहिए था पास जाए तो। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज क्या हुई है, एक तो मैं मार्क्स बढ़ाने के लिए आई हूँ, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी से मैंने जितने मार्क्स मांगे थे उतने गुरुजी ने मुझे दे दिए, उससे ज्यादा वो मुझे नहीं, मेरी गलती है ना, वो गुरुजी ने मुझे 37, वो भी बता के बताया मुझे कि 37 मार्क्स जी मैंने देने थे, तूने मुझे 23 पे रोक दिया। तो उस टाइम मैं सोचती थी कि गुरुजी से मैंने बड़ी गाड़ी नहीं मांगनी, अगर बड़ी गाड़ी मांग ली तो बस ड्राइवर से शादी करा देंगे मेरी, तो इसलिए चुप करके बैठ जाओ। तो ये सत्संग था कि मांगो नहीं मानो, लिटरली उनको बोल दो आप अपने आप देखो, फेल करना है वो भी जी आपके हाथ में होगा, पास करना है वो भी आपके हाथ में होगा, अगर एक चीज ये सोच ली तुमने उनके ऊपर छोड़ के, फिर नथिंग लाइक दैट, इतना ब्यूटीफुल सब कुछ हो जाएगा, यू लव लव योर लाइफ एक्चुअली। जय गुरुजी वेरी की। ट्रू, वेरी ट्रू आंटी। एंड द अदर थिंग वाज द पर्ची, मेरे को बहुत हंसी आ रहा था, इवन आई डू द सेम थिंग एंड आई एम जय श्योर जी बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ भी डाउट आता है आई ऑल्सो पुट पर्ची एंड देन एक खींच लेते हैं, सो आई कुड रियली कनेक्ट पर्सनली एंड आई एम श्योर जो सत्संग अभी सुन रहे हैं आपका सभी संगत, तो दे कुड ऑल्सो कनेक्ट। एंड अभी मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, एवरी वन वॉज सेइंग वेरी ट्रू वॉट एवर यू सेड आंटी, सो इवन अबाउट द ओल्ड संगत एंड द न्यू संगत जो आपने एक्चुअली बताया। मैं बहुत टाइम से ये चीजें सोच रही थी बोलने का, बट मुझे कोई प्लेटफॉर्म, एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग। अगर मैं फेसबुक पे डाल देती उसमें भी लोगों ने जय गुरुजी लिख के छोड़ देना था, सुनना नहीं था जैसे कोई भी चीज। तो गुरुजी आज वैसे भी पूर्णमासी का दिन है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं गुरुजी से पूछ रही थी गुरुजी इस बारी कोई सत्संग नहीं, और गुरुजी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली ये दिया कि जस्ट अपने अंदर की चीजें बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये चीजें अंदर मेरी इतनी भर गई थी काफी टाइम से कि मेरा खुद का डायरेक्ट कनेक्शन टूट रहा था गुरुजी के साथ, कि गुरुजी ऐसी संग मतलब आप कैसे रख सकते हो। तो वो चीजें निकली है ना सारी की सारी बाहर, कि मैं एटलीस्ट मेरे को था कि मैं सही गाइडेंस, मतलब मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, जो मैंने पर्सनली फील किया वो चीज थी कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि जो मेरे अंदर था मैंने एक बार बता दिया, तो मेरा फिर गुरु जी के साथ मतलब जो मन था गुरु जी ने मुझे अपने आप ये चीज कराई कि बोल दो। और पूर्णमासी का दिन इज द बेस्टेस्ट डे ही कुड चूज ये चीजें बताने के लिए।